दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कंप्यूटर में किसी भी फाइल्स को कैसे इनक्रिप्ट करते हैं, फिर उसे कैसे डिक्रिप्ट करते हैं सिर्फ एक कमांड की मदद से। अगर आप चाहते हैं कि आपके कंप्यूटर के इंपोर्टेंट डेटा को, आपके पर्सनल फाइल्स को आपके सिवा कोई और उसे यूज ना कर सके, तो आप उन फाइल्स को इनक्रिप्ट कर सकते हैं सिर्फ एक कमांड की मदद से। उसके बाद से अगर आपके कंप्यूटर से कोई दूसरा बंदा आपके फाइल्स को, आपके डेटा को अपने पेन ड्राइव में कॉपी करके भी ले जाता है और वो उसे अपने कंप्यूटर में ओपन करने की कोशिश करता है, तो वो उसे ओपन नहीं कर पाएगा क्योंकि आपका सारा डेटा इनक्रिप्टेड होगा। या फिर आपके कंप्यूटर में एक से ज्यादा यूजर हैं, तो दूसरे यूजर भी आपके किसी भी फाइल को ओपन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, आप इस वीडियो को देखते रहिए क्योंकि ये ट्रिक हमेशा काम आने वाले ट्रिक है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया आप इसको लाइक करना, इसको शेयर करना। अगर दोस्तों ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक्स पे नए नए वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देखिए कि मेरे डेस्कटॉप पे कुछ फाइल्स पड़े हैं जिसमें वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, एक इमेज है और एक MP4 वीडियो है। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम मैं दे देता हूँ डेमो। फोल्डर क्रिएट करने के बाद इन सभी फाइल्स को मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने अपनी सभी फाइल्स को इस फोल्डर के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो आपको अब यहाँ पे अपने किसी भी फाइल्स को इनक्रिप्ट करने के लिए सबसे पहला काम ये करना है कि आपका फाइल्स जिस भी फोल्डर में है आपको उस फोल्डर को ओपन कर लेना है, ठीक है। फोल्डर ओपन करने के बाद ऊपर यहाँ एड्रेस बार में जाना है और यहाँ पे अपने माउस को क्लिक करना है और इसके अंदर आपको टाइप करना है CMD, ठीक है। CMD लिख के आपको इंटर करना है, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको सिर्फ एक कमांड डालना है और आपका सारा फाइल कुछ ही सेकंड के अंदर एनक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है CIPHER, साइफर लिखना है। यहाँ पे दोस्तों आपको साइफर एक क्रिप्टोग्राफी कमांड है जो कि फाइल्स को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करता है। साइफर लिखने के बाद स्पेस देना है, फॉरवर्ड स्लैश देना है और आपको यहाँ पे लिखना है ई मतलब इनक्रिप्ट और सिंपल आपको यहाँ पे इंटर कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर सारा फाइल इनक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5 फाइल्स था इस फोल्डर के अंदर, वो पांचों फाइल यहाँ पे इनक्रिप्ट हो गया। ओके आ गया यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी यहाँ पे देखिए मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पे अब आप इस फोल्डर के अंदर जितने भी फाइल है अब देखेंगे सभी फाइल के साथ आपको यहाँ पे एक लॉक दिखेगा यानी कि ताला दिखेगा। इसका मतलब यह है कि ये सारा फाइल यहाँ पे इनक्रिप्ट हो गया है। तो देखा आपने दोस्तों ये कितना आसान है। तो चलिए अब मैं अभी इस फोल्डर को बंद कर देता हूँ। अभी मैं इस डेमो फोल्डर को यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद से मैं इस फोल्डर को, मैंने यहाँ पे एक पेन ड्राइव लगाया हुआ है अपने कंप्यूटर में, इस पेन ड्राइव के अंदर यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद से मैं यहाँ से अपने पेन ड्राइव को निकाल लेता हूँ, ठीक है। इसमें से निकाल लिया, अब मैं चलता हूँ दूसरे कंप्यूटर में। तो ये है दोस्तों मेरा दूसरा कंप्यूटर। मैं इस कंप्यूटर के अंदर अपने इस पेन ड्राइव को लगाता हूँ। पेन ड्राइव लगाने के बाद से यहाँ पे देखिए मैं ओपन करता हूँ, पेन ड्राइव यहाँ पे है, इस पेन ड्राइव को ओपन करता हूँ और सबसे पहले तो मैं यहाँ पे देखिए आपको ये डेमो का फोल्डर मिल जाएगा। इसको मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। कॉपी करके मैं इसको डेस्कटॉप पे लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कॉपी किया, मैं इसको डेस्कटॉप पे पेस्ट करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कॉपी भी नहीं हो रहा है। कंटिन्यू भी करूंगा अगर मैं यहाँ पे, तो ये कॉपी नहीं होगा क्योंकि ये इनक्रिप्टेड है। ये हुआ तो पहला चीज। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए मैं इस डेमो फोल्डर को ओपन करता हूँ और इसके अंदर जितने भी फाइल्स हैं, चाहे वो इमेज है, वीडियो है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, कोई भी अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे ओपन नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये बहुत ही टाइम ले रहा है लेकिन ये यहाँ पे ओपन नहीं होगा। अभी यहाँ पे आपको इसका एरर दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए कांट प्ले। ऐसे ही अगर मैं कोई फाइल भी देखिए, मैं इमेज को भी ओपन करता हूँ तो ये इमेज भी यहाँ पे ओपन नहीं होगा, जैसे वीडियो ओपन नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो कोई भी इसको ओपन नहीं कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मैं इसको निकाल देता हूँ इस कंप्यूटर से और चलते हैं दूसरे कंप्यूटर में। वापस हम आ गए हैं दोस्तों अपने दूसरे कंप्यूटर में और इसके अंदर मैं अपने पेन ड्राइव को लगाता हूँ। पेन ड्राइव यहाँ पे लगा दिया। इस पेन ड्राइव के अंदर दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे और देखते हैं इसके अंदर ओपन होता है कि नहीं। डेमो फोल्डर ये है, तो इसके अंदर में अगर मैं ओपन करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस कंप्यूटर के अंदर जिसके अंदर मैंने इसको एनक्रिप्ट किया था उसके अंदर ये बहुत ही आसानी से ओपन हो जाएगा क्योंकि इसका सोर्स कंप्यूटर ये है, इसी के अंदर ये एनक्रिप्ट हुआ था। दूसरे कंप्यूटर के अंदर अगर आप ले जाकर के इसको ओपन करेंगे तो दूसरे कंप्यूटर में ये ओपन नहीं होगा लेकिन इस कंप्यूटर में ये यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आप देखिए इस कंप्यूटर के अंदर ये बहुत ही आसानी से ओपन हो रहा है। वैसे अगर मैं वीडियो ओपन करूंगा,
वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, किसी भी फाइल को इस कंप्यूटर के अंदर मैं ओपन करूंगा, जिस कंप्यूटर के अंदर आपने उसको इंक्रिप्ट किया था, तो उस कंप्यूटर के अंदर वो बहुत ही आसानी से यहाँ पे काम करेगा। ये तो दोस्तों हो गया कि आप इसको इंक्रिप्ट कैसे करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि अगर आपको इसको डिक्रिप्ट करना हो तो उसको आप कैसे करेंगे। तो फिलहाल अभी मैं इसको बंद कर देता हूं। डिक्रिप्ट करने के लिए भी आपको सेम प्रोसेस है, ठीक है। आपको उसी फोल्डर को ओपन करना है जिसके अंदर आपका फाइल है। आपको यहाँ एड्रेस बार पे क्लिक करना है, फिर से आपको यहाँ पे टाइप करना है सीएमडी, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा, और फिर से आपको यहाँ पे लिखना है साइफर स्पेस फॉरवर्ड स्लैश। अब आपको यहाँ पे लिखना है डी, ई मतलब एनक्रिप्ट और डी मतलब डिक्रिप्ट, डी लिख के आपको इंटर करना है। अभी आप देखेंगे कुछ सेकंड के अंदर वो सारा फाइल डिक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पांच फाइल है, पांचों का पांचों फाइल यहाँ पे डिक्रिप्ट हो गया। मिनिमाइज करता हूं। अब यहां से देखिए सभी फाइल से वो जो लॉक का आपको निशान दिख रहा था, लोगो दिख रहा था, वो यहां से हट गया। तो दोस्तों देखा आपने ये कितना आसान है किसी भी फाइल्स को इंक्रिप्ट करना, डिक्रिप्ट करना। इससे आप अपने किसी भी फाइल्स को सिक्योर कर सकते हैं, आप उसको सेफ बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो आप इसको लाइक करिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करिए। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि मेरे हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे।